Hello dears, I am back again with you, and this time we are talking about a very extraordinary reaction from organic chemistry. Aldehydes or ketones ka ek bahut mahatvapurna chapter aapke 12th ke board mein bhi hai. Iske alawa JEE main, JEE advanced, NEET, koi bhi exam le lo, koi bhi organic chemistry janne wala paper setter agar paper set kar raha hai to उसको हमेशा है, बहुत अच्छा लगता है, एक रिएक्शन बहुत प्यारा लगता है, और वो है आपका ये शानदार कैनिज़ारोस रिएक्शन. तो बहुत अच्छे से आपको ये रिएक्शन आना चाहिए, पूरे डिटेल्स में कोई भी थ्योरी मिस करे बगैर और सारे वेरिएशंस के साथ. और आज आइए हम बात करते हैं कैनिज़ारोस रिएक्शन की. अल्डोल कंडेंसेशन बहुत ही मशहूर कंडेंसेशन है, शायद जिसके बारे में आपने पहले सुना हो. इस वीडियो में हम अल्डोल की बात ऑफ कोर्स बिल्कुल नहीं कर रहे, लेकिन अल्डोल और कैनिज़ारो बड़े अजीब तरह से जुड़े हुए हैं. क्यों? अल्डोल कंडेंसेशन की खासियत बताई जाती है कि यह ऐसा रिएक्शन है जो वो एल्डिहाइड्स या कीटोन्स दिखाते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होती है. और कैनिज़ारो रिएक्शन की पहली शर्त यह है, कैनिज़ारो का रिएक्शन वो एल्डिहाइड्स दिखाते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होती. कई बार विद्यार्थी पूछते हैं कि सर ये अल्फा हाइड्रोजन क्या होती है, तो बड़ा आसान है, सी डबल बॉन्ड ओ. अगर आपके पास सी डबल बॉन्ड ओ है, हर एल्डिहाइड में कार्बोनाइल ग्रुप होता है, इस कार्बोनाइल ग्रुप के पड़ोस वाला कार्बन, ये जो कार्बन है ये कहलाता है अल्फा कार्बन. और अगर इससे हाइड्रोजन जुड़ी हुई होती है तो ये हाइड्रोजन्स कहलाती हैं अल्फा हाइड्रोजन्स, राइट? तो आपके पास अल्फा कार्बन है और उसी के साथ साथ आपके पास अल्फा हाइड्रोजन है. कौन सी? कार्बोनाइल ग्रुप, सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप, कार्बोनाइल ग्रुप के बाजू वाला कार्बन अल्फा कार्बन, उसके साथ जुड़ी हुई हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन. और शर्त यह है कि जिनके पास ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगी वही दिखाएंगे कैनिज़ारोस रिएक्शन. क्यों? जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन है उनका क्या होगा, वो कैनिज़ारो क्यों नहीं दिखाते? कैनिज़ारो रिएक्शन में काफी देर लगती है, आधा घंटा, पौन घंटा, घंटा भर लगता है. और जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होती है वो 3 से 5 मिनट के अंदर एक दूसरा रिएक्शन दिखा देते हैं जिसको आप अल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं. कैनिज़ारो काफी वक्त लेता है, धीमा रिएक्शन है, वो होगा उसके पहले ही दूसरे हो जाते हैं, इसलिए ये सिर्फ उनमें ही दिखाई देता है जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होती. और रिएक्शन में होता क्या है, आइए सबसे पहले हम रिएक्शन को याद करेंगे, देखेंगे कि रिएक्शन में एक्चुअली क्या होता है. और एक बार जब हमें पता चल जाएगा कि रिएक्शन है क्या, ध्यान रखिएगा अगर आप ऑर्गेनिक सीख रहे हैं तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पहली बात नाम याद हो, कैनिज़ारो रिएक्शन, फिर यह याद हो कि रिएक्शन में होता क्या है, फिर उसके बाद आप उस रिएक्शन को समझने के लिए मैकेनिज्म को हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे. लेकिन मैकेनिज्म में आपको तब तक दिक्कत आती रहेगी जब तक आपको बेसिक रिएक्शन याद नहीं होगा. तो पहली चीज जो याद करनी है, क्या कैनिज़ारो रिएक्शन दिखाते हैं वो एल्डिहाइड्स जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट, इस रिएक्शन में होता क्या है, कौन दिखाता है ये रिएक्शन, या एल्डिहाइड्स दिखाते हैं, किसके साथ दिखाते हैं, बेस के साथ. बहुत अद्भुत रिएक्शन है ये, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, ऑर्गेनिक रिडॉक्स रिएक्शन है. इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि अगर ऐसे किसी अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड को, ऐसे एल्डिहाइड को जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो, अगर आप बॉइल करते हैं किसके साथ, कॉन्सेंट्रेटेड एनिमेशन के साथ, उसका डिस्प्रोपोर्शनेशन हो जाता है. डिस्प्रोपोर्शनेशन होता है मतलब उसी के एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हो जाता है, उसी के दूसरे मॉलिक्यूल का रिडक्शन हो जाता है. एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होता है तो बनाता है कार्बोक्सिलिक एसिड, और कार्बोक्सिलिक एसिड जो कि सॉल्यूशन बेस का है, एनएएच का है, बहुत स्वाभाविक है एसिड उसमें जिंदा नहीं बचेगा, सॉल्ट बन जाता है. तो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि कार्बोक्सिलिक आयन बनता है. और जब एल्डिहाइड्स रिड्यूस होते हैं तब क्या बनता है, तब बनता है अल्कोहल. तो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन और अल्कोहल बनेंगे अगर कॉन्सेंट्रेटेड एनएएच के साथ उबाला जाएगा बहुत देर तक किसी ऐसे एल्डिहाइड को जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते. ये है स्टेटमेंट,
याद रखने वाला स्टेटमेंट किसका? कैनिजारो रिएक्शन का। एक बार इसको लिखते हैं, फिर इसके बाद आगे इसके डिटेल्स देखने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम देखें तो इसमें आपके पास है आर एक मिनट, आपके पास है आर सी ओ एच एल्डिहाइड, जहां पर आर ग्रुप में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, प्लस ओ एच माइनस कोई स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस एनएच लेते हैं, आप चाहे केओएच ले लीजिए, कुछ लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं जो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, ज्यादा हीट करना पड़ता है। दिस इज कॉन्सेंट्रेटेड और आपको इसको बॉइल करना पड़ेगा, यू हैव टू बॉइल दिस। क्या मिलेगा आपको? मिलेगा आर सी ओ ओ माइनस प्लस साथ मिल जाएगा आर सी एच टू ओ एच। दिस इज स्वीट एंड सिंपल स्टेटमेंट ऑफ कैनिजारो रिएक्शन। अब ये तो है सिंपल प्लेन कैनिजारो। कोई एग्जाम्पल? हाँ, दो बहुत ही मशहूर एग्जाम्पल है, एक फॉर्मेल्डिहाइड और दूसरा बेंजाल्डिहाइड। कैसे, आइए देखिए। सबसे पहले तो देखिए, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड है, यहां पर अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन संभव ही नहीं है। या अगर आपके पास बेंजाल्डिहाइड PHCOH, अगर आप इसको देखें बेंजाल्डिहाइड में, आप खुद देख सकते हैं कि बेंजीन रिंग, अगर आप कोई भ्रम है इसको लेकर तो पूरा बना के दिखा देता हूं, यह है बेंजाल्डिहाइड। यहां पर इस कार्बन का 1, 2, 3 और 4 चार बॉन्ड्स हैं, कार्बन के दूसरे कार्बन के साथ चार बॉन्ड्स हैं, इस कार्बन के साथ कोई भी हाइड्रोजन एसोसिएटेड नहीं है। तो इसका मतलब ये जो अल्फा कार्बन है इसके पास एसिड का कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो क्या ये कैनिजारो रिएक्शन दिखा सकता है? हाँ, ये कैनिजारो रिएक्शन दिखा सकता है। एक छोटा सा बहुत ही आसान सा पहला सवाल करते हैं। सबसे पहले आप अल्फा हाइड्रोजन को ही टेस्ट करना सीख जाइए। तो आइए देखते हैं, देखिए सॉरी अगली स्लाइड। राइट है ना? सो देखते हैं, क्वेश्चन है इनमें से कौन से एल्डिहाइड्स हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है? विच ऑफ दीज आर एल्डिहाइड्स विदाउट अल्फा हाइड्रोजन? एंड वी हैव How many of these? It could be an integer answer type question. Count how many of these are the aldehydes which do not have alpha hydrogens. Simple, beautiful, but necessary question. We have a number of structures. आप देखिए और बताइए अल्फा हाइड्रोजन किसके पास नहीं है। We have to count. लिखने में ज्यादा वक्त लगता है, अब तक हो गया होगा। देखिए इसको, इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, यहां पर इस कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन है? 1, 2, 3, 4 चार बॉन्ड्स पहले से हैं, कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये आंसर है। इसमें ये अल्फा कार्बन है, हाँ 1, 2, 3 क्या यहां अल्फा हाइड्रोजन है? हाँ, तो ये आंसर नहीं है। 1, 2, 3, 4 चार कार्बन बॉन्ड्स हैं, क्या अल्फा हाइड्रोजन है? नहीं। ध्यान रखिएगा, चुनना उनको है जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, उनमें यस लिखा है हमने।
कहने को हाइड्रोजन्स हैं, इसका अल्फा ये है, इसका अल्फा ये है। यहां एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, हो सकता है आपको लगे कि ये अल्फा हाइड्रोजन्स हैं और ये कैनेजारो देंगे ना, शर्त ये है कि वो अल्फा हाइड्रोजन्स sp3 हाइब्रिड अल्फा कार्बन से जुड़ी होनी चाहिए। ये बहुत अच्छा, बहुत महीन पॉइंट है, कई बार लोग उसको मिस कर जाते हैं और बहुत दुख पाते हैं। जैसे ग्लाइकोजाइल में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कहते हैं कि सर ये एल्डिहाइड है, हाँ है, तो इसके बाजू वाला अल्फा कार्बन है, हाँ है, तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, नहीं नहीं नहीं, ये इसको हम अल्फा हाइड्रोजन में नहीं गिन सकते। क्यों? क्योंकि अल्फा कार्बन के साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट शर्त है कि वो अल्फा कार्बन जिसकी कैनेजारोस रिएक्शन में बात हो रही है, वो अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिड होना चाहिए। अगर sp2 हाइब्रिड कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ी हुई है या sp हाइब्रिड कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ी हुई है तो उसका कोई मतलब नहीं है और वो कैनेजारो रिएक्शन नहीं दे सकता, सॉरी वो कैनेजारो रिएक्शन दे सकता है, अल्डोल कंडेंसेशन नहीं दे सकता, कैनेजारो दे सकता है। तो क्या ये कैनेजारो के लिए क्वालिफाई करते हैं? हाँ बिल्कुल। यहां पर देखिए एल्डिहाइड के बाजू वाला ये है COOH, क्या यहां अल्फा हाइड्रोजन है? ना, ये तो एल्डिहाइड ही नहीं है। हमको दो चीजें देखनी थी, एल्डिहाइड भी हो अल्फा हाइड्रोजन भी हो, ना तो एल्डिहाइड है और ना लैक के पास अल्फा हाइड्रोजन हैं भी, तो वो बिल्कुल गड़बड़ है। इसको देखिए, ये मॉलिक्यूल काफी फैशनेबल लग रहा है आपको, ध्यान मत दीजिए, छोटी सी चीज है। आप तो एल्डिहाइड को देखिए, एल्डिहाइड के बाजू में जो कार्बन है, इस कार्बन के पास 1, 2, 3 बॉन्ड्स हैं। अगर 3 बॉन्ड्स हैं तो चौथा बॉन्ड किसका है? चौथा बॉन्ड हाइड्रोजन का होगा। तो क्या यहां अल्फा हाइड्रोजन है? हाँ है, तो ये हमारा आंसर नहीं है। हाउ मेनी ऑफ दीज डू नॉट पोजेस अल्फा हाइड्रोजन? अगर ऐसा क्वेश्चन था कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो 1, 2, 3, 4, 5 इज द आंसर, राइट? दिस वॉज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। एक बार जब हमारे मन में यह सेट हो गया कि हमें अल्फा हाइड्रोजन पहचानना आता है, तो आइए, अभी आपने जस्ट कैनेजारो का रिएक्शन सीखा है, हम बहुत ही बेसिक लेवल के, फंडामेंटल लेवल के 4-5 इलस्ट्रेशंस लेते हैं। मैं कुछ रिएक्टेंट्स लिखूंगा, आपको ये चेक करना है कि कैनेजारो रिएक्शन ये देंगे या नहीं देंगे, आपको ये आइडेंटिफाई करना है, और जब देंगे तो आपको ये भी बताना है कि इस कैनेजारो रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा। सबसे सरल एग्जांपल है दिस प्लस कॉन्सेंट्रेटेड NaOH हीट, इनफैक्ट बॉइल कर दीजिए। अगर इसी की बजाय आपके पास बेंजाल्डिहाइड है, इसको भी बॉइल करिए, क्या मिलेगा? एक्राइलाल्डिहाइड है, अगर आप बॉइल करेंगे आपको क्या मिलेगा? सिंपल से इलस्ट्रेशंस हैं, बहुत यूजफुल। क्यों? पहला काम हमारा है कि हमें चेक करना है कि आपको रिएक्शन याद भी हुआ या नहीं। अगर रिएक्शन याद नहीं होगा तो आगे मैकेनिज्म समझ में नहीं आएगा। और ध्यान रखिएगा, मैकेनिज्म की जरूरत तो ज्यादा टफ एग्जाम के लिए है, वो तो तब आएगा जब सिंपल आए। तो हम सिंपल लेवल पर बात करें, पहले इसको देखिए आंसर क्या है, आइए देखते हैं। फॉर्मल्डिहाइड डिस्प्रोपोर्शनेट करेगा, आपको मिलेगा प्लस एच सी ओ ओ माइनस। एक कार्बन का एल्डिहाइड था, एक कार्बन का एल्डिहाइड था, तो एक कार्बन वाला अल्कोहल और एक ही कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड, ये इस तरह से दोनों आपको मिल जाएंगे। ऐसे इसको देखिए, इसमें बेंजाल्डिहाइड है तो बेंजीन रिंग वैसे का वैसे ही रहेगा, बस CH2OH, CHO बन गया CH2OH और साथ में ये बन गया COO माइनस Na प्लस। एक्राइल एल्डिहाइड का क्या होगा, ये देखते हैं। एक्राइल एल्डिहाइड द सॉल्ट ऑफ एक्राइलिक एसिड एंड CH2OH, कौन सा पहले कौन सा बाद में लिखते हैं इसका ऑब्वियसली कोई महत्व नहीं है,
सिंपल सा केस है ये आपके पास है, राइट। तो ये तो हमने सीखा है कि भाई कैनिजारो रिएक्शन कहते किसे हैं, होता क्या है, लास्ट में एक बार समराइज करता हूं। अगर ऐसा कोई एल्डिहाइड है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, उस एल्डिहाइड को अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड एनएच के साथ देर तक उबालते हैं, आधे घंटे से एक घंटे तक या थोड़ा ज्यादा उससे, तो एक अद्भुत रिएक्शन होता है। वो एल्डिहाइड डिस्प्रोपोर्शनेट कर जाता है, उसका एक अंश रिड्यूस हो जाता है, हाफ ऑफ दैट गेट्स रिड्यूस्ड टू अल्कोहल एंड द अदर हाफ, जिसका दूसरा आधा हिस्सा है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और वो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है, जो कि बेस से रिएक्ट करके सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि कार्बोक्सिलेट आयन बना लेता है। तो ये था पहला छोटा सा हिस्सा किसका, कि भाई कैनिजारो रिएक्शन में होता क्या है, इसको तो आप नोट कर लीजिए। और इसके बाद आता है क्रॉस्ड कैनिजारो रिएक्शन। क्रॉस्ड कैनिजारो को हम देखेंगे अगले वीडियो में, उसके बाद थर्ड वीडियो में हम एग्जामिन करेंगे मैकेनिज्म ऑफ कैनिजारो रिएक्शन। तो बने रहिए हमारे साथ एंड वॉच द नेक्स्ट वीडियो।